माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इमारत विच बनाए एकांतवास केंद्र विच मुस्लिम भाईचारे नूं रमदान दे दिनां विच इफ्तारी देण दी हर पासे शलाघा हो रही है। एक हिंदू मंदिर च मुस्लिम भाईचारे लई कीते प्रबंधां दी इस मिसाल ने मुल्क नूं धर्म दे नाम ते वंडण वालियां ताकतां नूं जवाब दिता है। पर उधर इस दरमियान बजरंग दल ने इस आपसी भाईचारे दी लिखी जा रही नवीं इमारत विच जहर घोलण दी कोशिश कीती है। बजरंग दल वल्लों श्राइन बोर्ड दे सीईओ नूं रिजाइन 72 घंटिआं दरमियान करन दी मंग कीती गई है। उन्हां दा कहिणा है कि हिंदू मंदिर च मुस्लिम इफ्तारी परोस सीओ ने हिंदू भाईचारे दी भावनावां नाल खिलवाड़ कीती है। उन्हां दा कहना है कि हिंदुआं दी संपत्ति है, हिंदुआं दा पैसा है, सिर्फ हिंदुआं ते ही खर्च हो सकदा है। नवीन सूदन, बजरंग दल जम्मू कश्मीर प्रांत संयोजक। आपको ध्यान होगा, गत दिनों से सोशल मीडिया में, न्यूज पेपरों में, टीवी चैनलों में श्राइन बोर्ड के पैसे द्वारा, माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के पैसे द्वारा मुसलमान समाज को इफ्तार पार्टियां दी जा रही हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। हम श्राइन बोर्ड के सीईओ को इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो श्राइन बोर्ड का पैसा है, पूरे भारत के हिंदुओं का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है कि इफ्तार पार्टियों में ऐसे पैसों का खर्चा किया जाए। अगर श्राइन बोर्ड का पैसे का इस्तेमाल आप बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए करें, अमरनाथ यात्रा के लिए करें, माता मुचेल की यात्रा के लिए करें, बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसी किसी भी बात पर जो कि श्राइन बोर्ड का पैसे से किसी पार्टिकुलर समाज को इफ्तार पार्टियां देंगे, तो इसका बजरंग दल विरोध करता है। हम माननीय महामहिम उपराज्यपाल से भी ये बात कहना चाहते हैं, अगर श्राइन बोर्ड के सीईओ द्वारा अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो उसको वहां से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हिंदुओं का पैसा मात्र हिंदुओं के फेवर के लिए होना चाहिए, हिंदू यूनिवर्सिटियों के लिए होना चाहिए, हिंदू तीर्थस्थानों के लिए होना चाहिए, हिंदू यात्रियों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि किसी समाज की इख्तियार पार्टियों के लिए होना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंदर वहां के सीईओ ने इस बात का खेद नहीं जताया, इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि उसने जब पैसा लगाया है, तो बजरंग दल माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन का पालन करते हुए हर मोहल्ले में, हर गली में, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस सीईओ के पुतलों का दहन करेगा। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इस इमारत विच आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है। रमदान के महीने इथे बनाए एकांतवास केंद्र च रखे मुस्लिम लोगों नू बकायदा सहरी अते इफ्तारी परोसी जा रही है। असल च जम्मू के कटरा के जिला झांसी च COVID-19 के चलदिया वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इस इमारत नू श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार के मुताबिक असी उन्होंने रहन की व्यवस्था के नाल नाल खाण का भी प्रबंध किया होया है। इस समय रमजान का महीना है और ईद नू वेखदिया उसे हिसाब नाल खाना दे रहे हैं और उन्होंने अपने त्यौहार नू मनाउण की पूरी खुल दी जा रही है। हाँ, क्वारंटाइन सेंटर का जो अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने वहाँ रखे गए हैं उनका एज यूजुअल हमारा देखे, हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे लॉजिंग तो हमने प्रोवाइड कर रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, लॉजिंग में भी हम ये चाहेंगे कि ईद के दिन उनको अच्छा खाना मिल पाए, जो कि घर में रहते हुए जैसे होते, तो हम ये कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि उस दिन अच्छे ढंग से उनको खाना मिल पाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, जिससे कि अपने फेस्टिवल को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें। थैंक यू। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इस इमारत विच आपसी भाईचारे की मिसाल बेमिसाल है। एक पासे जिथे पूरे मुल्क नू हिंदू मुस्लिम च वंडन ते कट्टर ताकतां उतारू हन, तां इस दरमियान ये तस्वीरां सकून देण वालियां हन। आपसी भाईचारे अते प्यार मुहब्बत दा सुनेहा दे रहियां हन, प्यार ते मुहब्बत दी बात पा रहियां हन। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।